मैं आपको विश्व की अनमोल धरोहर जो कान के बहरेपन को और हियरिंग इम्प्रूवमेंट को इम्प्रूव करती है, हियरिंग इम्प्रूवमेंट बढ़ाती है, वो बता रहा हूँ कि कैसे डाली जाएगी। मैं आपको अपनी बात पर फिर आ जाता हूँ। मैं अपना पेटेंट और ट्रेडमार्क का जो सर्टिफिकेट इसलिए दिखा रहा हूँ कि विश्वास हो जाए कि हम लोग सही कर रहे हैं। ये जो सर्टिफिकेट देख रहे हैं वो ट्रेडमार्क का सब्जेक्ट है, ये हमें ट्रेडमार्क मिला हुआ है और पेटेंट के लिए हम लोग रजिस्टर्ड हैं। पेटेंट और ट्रेडमार्क एक में सुरक्षित है। पेटेंट अप्लाइड है, पब्लिश हो चुका है और ट्रेडमार्क जो है वो मिल चुका है। इन दवाइयों के लिए ये गोल्ड है, पूरी ट्रीटमेंट के लिए, प्योर डायग्नोसिस के लिए। ये जो प्योर शब्द लिखा हुआ है वो रजिस्टर्ड है, प्योर डायग्नोसिस। और ये जो प्योर डायग्नोसिस के अंदर जो शब्द आ रहे हैं उसका हम लोग कर्ण दोष निवारण केंद्र रूपांतर कर रहे हैं और यही आपको दिया जा रहा है। और ये डेफकेयर सेंटर के नाम से जो दवाई बन रही है गोल्ड, इसका पेटेंट नाम, ये जो नाम है वो गोल्ड है। एक्चुअली वो पेटेंट के अंतर्गत होने से इसके इंग्रेडिएंट आपको नहीं बता रहे हैं, पर कान में डालने की दवाई और खाने की दवाई है। और ये वी आई पी नाम की दवाई, वो भी पेटेंट और ट्रेडमार्क एक्ट में सुरक्षित है। दवाइयाँ नहीं है, पूरी ट्रीटमेंट सुरक्षित है, कोई भ्रम नहीं पड़े। मैंने दवाइयों के लिए कोई अलग से स्पेशल नहीं लिया है और ये पूरी ट्रीटमेंट है। मैं कोई दवाइयाँ नहीं बेच रहा हूँ, दवाइयों को बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। लोगों को बता रहा हूँ कि चिकित्सा के द्वारा कान का बहरापन को एकदम कम किया जा सकता है या अंगूल मिटाया जा सकता है या हियरिंग इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं। हमारा काम है हियरिंग इम्प्रूवमेंट करना, क्योंकि हम कोई क्लेम या बट्टा नहीं कर रहे। क्लेम करेंगे तो क्लेम में उलझ जाएंगे। हमारा काम है जब हमारी ट्रीटमेंट के प्रथम चरण के प्रथम तबके में ही सुनना प्रारंभ करवा देती है दवाई, तो कैसे डालना सुनिए। पहली दवाई है कान में डालने की दवाई वी आई पी के दो चार बूंद कान, दो तीन बूंद कान में डाल के सो जाए, 15 मिनट रखें, उसके बाद में खाली कर दें। उसके बाद में दूसरे कान में फिर VIP डालें और 10-15 मिनट रखें, खाली कर दें, फिर वापस पलटी मारें। पलटी मारने के बाद में गोल्ड नाम की दवाई से कान को भर दें और चारों तरफ से रुई लगा के रखें ताकि कान की दवाई इधर उधर न जाए, मुंह में न जाए, आँख में न जाए, तो नुकसान ना हो। कोई वैसे साइड इफेक्ट नहीं होती है, फिर भी ध्यान रहे किसी को जलन है, तकलीफ है, दर्द है, कान ओवर सेंसिटिव हो जाता है, 1000 में से एक आदमी को हो तो कान खाली कर दे, गले नहीं। और हमने जो बताया है उस फार्मूला के हिसाब से बाद में दूसरी दवाइयाँ खा लेते हैं। देखिए जो ट्रीटमेंट सामान्यतः आपकी यहाँ जो होती है, जब हमारे क्या होता है कि सामान्य स्थिति में जब सब कुछ ठीक चलता था तो पेशेंट को 3-4 घंटे के लिए यहाँ बुलाते थे। 1 घंटे में एक कान रेडी, दूसरे घंटे में दूसरा कान रेडी। कान में डालने की दवाई होती है, खाने की दवाई होती है और उसी से हम बहरापन मिटाते हैं। और उसी के वीडियो यूट्यूब गूगल पर डाले हुए हैं, वही की वही सारी ट्रीटमेंट आपको हम घर बैठे भिजवा रहे हैं और आपको वीडियो के द्वारा भी समझाएंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो ट्रीटमेंट यहाँ मिलने वाली थी वही ट्रीटमेंट आपको घर पर मिलेगी, फिर क्या चिंता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, आपको कोरियर से दवाइयाँ टाइम पर मिल जाएगी और इन शॉर्ट दवाइयाँ मिलेगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कृपा करके आने का आग्रह न रखें, समय बहुत कठिन खराब है, समय का सामना करो, आजकल वातावरण बहुत ख़राब है। प्लीज़ आने के अलावा दवाइयाँ घर बैठे मंगाइए। यदि ज़्यादा अविश्वास हो तो अभी मत मंगाओ, बाद में करवा लेना जब ठीक आपको लगे वातावरण ठीक हो गया, 6 महीने 12 महीने बाद में आ जाना। कान को ऐसी चीज तो है नहीं कि आजकल महामारी हो जाएगी, कुछ ही नहीं होने वाला है। आपको ट्रीटमेंट करानी है, घर बैठे दवाइयाँ मंगाओ, ट्रीटमेंट कराओ, दवाई ही है। दवाई देखिए, कान में खाली दवाई नहीं है, दवाई है, एक्सरसाइज है, थेरापी है, कपड़ थेरापी है, पॉइंट है और वर्म थेरापी है और आपके सिस्टम है उसकी, उसका वो क्या बोलते हैं, उसके विधान है, उसका समय है। उसके बाद में कान के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियां है, अलग अलग विषय पर अलग अलग तरह की दवाइयां बनाई गई है। कम सुनने वाले को बेसिक सुनने वाले, सुनने के साथ में पेट की दवाइयाँ दी जाती है, राइट साइड भी है, लेफ्ट साइड भी है, पेट में दर्द है, पेट में नहीं है, टीनिटस है, कान में चक्कर आ रहे हैं और सुनाई कम दे रहा है, आवाज़ें आ रही है और
ऐसा लग रहा है कि जैसे संसार असारा, मैं क्या करूँगा, उन सब की बहुत सरल दवाइयाँ मित्रों, रिजल्ट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सत्य कह रहा हूँ, कोई असत्य नहीं। आज की बात की बढ़ोतरी कर रहे हैं, यदि किसी को तकलीफ हो, ज़्यादा हो, तो वापिस संपर्क करो यार, हम तो आपकी मदद में बैठे हुए हैं। हमने तो सिर्फ कफन बांध के बैठे हुए हैं कि हमारा कोई भी काम होगा वो जीवन मरण केवल कान के बहरापन मिटाने के लिए, कान की बहरापन की ट्रीटमेंट करने के लिए, हियरिंग इम्प्रूवमेंट करने के लिए है। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि तन मन धन से कान के लिए ही समर्पित है।